बेगूसराय में राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सीपीआई उम्मीदवार कन्हैया कुमार तथा पूरे लेफ्ट पर अपनी जमकर भड़ास निकाली। शिवानंद तिवारी ने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में लेफ्ट अपने अंतिम पड़ाव से गुजर रही है। शिवानंद तिवारी ने कहा कि सीपीआई का गढ़ माने जाने वाले बंगाल तथा केरल की स्थिति सबों के सामने है। आज वहां वामपंथी अपने अंतिम सांसें गिन रही है। रही बात कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया के द्वारा जो अल्पसंख्यक वोटरों के बीच सेंधमारी की जा रही है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी लोग विभिन्न दलों में विभक्त जरूर नजर आ रहे हैं, मगर जब चुनाव की तिथि आएगी तो दो दिन पहले सभी अपने अपने कुनबे में चले जाएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। शिवानंद तिवारी ने गिरिराज सिंह को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टिकी बढ़ा लेने से और हाथ में धागा बांधने से कोई चुनाव नहीं जीतता। गिरिराज सिंह सबों को पाकिस्तान भेजने का वीजा प्रदान करते थे, लेकिन गिरिराज सिंह की नज़र में बेगूसराय उनके लिए पाकिस्तान था और नवादा हिंदुस्तान। एनडीए ने किसी तरह समझा बुझा कर गिरिराज सिंह को बेगूसराय भेजा है और बेगूसराय की जनता इस बात को समझ रही है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भले ही नेशनल मीडिया कुछ भी चला रही हो, लेकिन सर जमी पर आने पर यही पता चलता है कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में सीधी मुकाबला भाजपा और राजद के बीच है। कन्हैया को शिवानंद तिवारी ने वोट कटवा करार दिया है। शिवानंद तिवारी ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र में 5 में महागठबंधन का कब्जा है और 2 पर जदयू के विधायक हैं, लेकिन इन सबों को दरकिनार कर आज सीपीआई बेगूसराय में अपने जीत का दावा कर रही है। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएन सिटी लाइव, बेगूसराय। एक उसी चिंता में हम चले आए कि जरा फर्स्ट हैंड अपने साथियों से बात हम करके क्या हालत है, की नहीं हो रहा था, सोशल मीडिया जो कह रहा है इस राय को मैंने बोलता है कन्हैया की भूमिका वोट कट 3,69,000 वोट का है और उसके बाद हमारा कुनबा बढ़ा। हमारे कुनबा में मुकेश साहनी जुड़े, हमारे कुनबा में जीतन राम माझी जुड़े, हमारे कुनबा में सीपीआई के पास 1,00,000 वोट है। तो 1,00,000 वोट वाले अगर ये कहें कि साहब 3,69,000 वाला जो है 1,00,000 पर चला जाएगा और हम जो है 4,00,000 पर चला जाएंगे, कई जो उदारवादी और वामपंथी लोग थे वो हमको ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे हमने इतना बड़ा अपराध किया है, कर लिया इतना बल है कि उनके श्राप की वजह से आतंकवादी जो है बम्बई में घुस गए और उनको गोली से अहमद कर करे को मार दिया। भाई इतना श्राप में बल है कि हाफिज सईद है, अजहर मसूद है, उसी को श्राप दे दो। जो खर्चा बर्चा, जो धूप धूप का झंझट जो है एक हो रहा है, हवाई हमला और फलान ठेकान, उन्हीं को श्राप दे दो, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हजार युग में देश को ले जाना चाहते हैं। ये शहीदों की बात करते हैं और शहीदों का अपमान कर रहे हैं और शहीदों का जो अपमान कर रहा है उसको प्रधानमंत्री डिफेंड कर रहा है। नीतीश कुमार जी का स्वर जो है बदला हुआ, आज हम उनका पढ़ रहे थे यही भाषण का। अब 2014 का आप याद कीजिए कि उस समय नीतीश कुमार जी की क्या राय थी नरेंद्र मोदी जी के बारे में। और अभी इस बार जो गठबंधन हुआ, इस गठबंधन में ये कहा जा रहा था कि साहब नीतीश देश भर में नरेंद्र मोदी की छवि, नरेंद्र मोदी का चेहरा, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की छवि और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ताकि देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से सरकार में आना चाहिए। ये हालत हो गई है। सबको मैंने कभी कभी तरस आता है, देखिए नीतीश हो, लालू हो, इन सब लोगों को एक लंबे 40-45 बरस से हम देख रहे हैं। सब लोगों से उम्र में हम बड़े हैं, सीनियर हैं। सब इन दोनों के शुरुआती जो राजनीति में देखा देगी शुरुआत हुआ उस समय हम यूथ लीडर से बिहार के मदद किया, हमने देखा है और नीतीश सर को बहुत उम्मीद थी। और समझिए कि ये आदमी 2014 में महागठबंधन में मैंने 15 में चुनाव लड़े, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये आदमी जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विकल्प में एक चेहरा होगा। ऐसी दुर्गति हो गई
तो इतना लंबा जो संबंध है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि तकलीफ तो होती है देख करके कि आदमी क्या हो गया। और सिर्फ बिहार की ही बात नहीं, पूरे देश भर में से जो खबर आ रही है, पहले चरण में 91 सीटों का चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 95 सीटों का चुनाव हुआ, इन दोनों चरणों के चुनाव के बाद ये साफ लग रहा है कि नरेंद्र मोदी हताशा में जी। और बात कौन है सीपीआई का, कौन है बड़ा नेता? कोई बड़ा नेता तो है नहीं बिहार में, है कहाँ नेता भाई? ये तो सीपीआई खत्म हो रही है, लेफ्ट खत्म हो रहा है। यहाँ बंगाल में 30 वर्षों तक उन लोगों ने राज किया, अब जो है मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर जो है मैंने जल्दी नजर नहीं आते हैं लोग, तो खत्म हुआ है। वो केरल में है बचा खुचा उनका, वो भी जो है सरक रहा है धीरे धीरे उनके यहाँ। हाँ, अभी तो ये कॉम्युनल राज को हटाना है, जनता ने तय किया है। गिरिराज जो डायलॉग बोलता है, बड़का बड़का चिट्ठी बढ़ा दिया है, हम उसको बचपन से जानते हैं, बड़का बड़का हाथ में कौनसी पहनता है बद्दी और ये, और एकदम स्टाइल एक डेवलप किया है वो, हो करके बोलता है, सबको पाकिस्तान में भेजता है। अरे इसको नवादा से पाकिस्तान भेज दिया, इसके लिए तो बेगूसराय पाकिस्तान था, नवादा को हिंदुस्तान मानता था और कहता था कि नहीं हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पार्टी ने उसको पाकिस्तान भेज दिया, भाई दूसरे को पाकिस्तान अब तक भेज रहा। वो तो बेगूसराय को अपना मानता नहीं है, बेगूसराय के धरती में मजबूरी में वो आया है। अमित शाह इसको फुसला उसला करके भेजे हैं कि हारोगे तब हारने के बाद भी हम तुम्हारा ख्याल रखें, तब आया। पहले जो है शकल होता है वो चुनाव के दो दिन तीन दिन पहले, इसके पहले तो कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर का घूमता है, तो उधर जाके खाना खाता है, कुछ उधर जाके तेल भरवाता है, ये सब हर चुनाव में होता है। लेकिन जैसे मैंने वोट के दो दिन पहले तीन दिन पहले जो जहां है वहां पहुंच जाता है अपने अपने खेमे में, और जो लोग इस तरह के चक्कर में पड़े रहते हैं और खर्चा बर्चा अंटी ढीला कर देते हैं, उनको बाद में अफसोस होता है कि देखिए इतना खर्चा भी किए, फोटो हमको नहीं दिया, सब चला गया उधर। बेगूसराय के चुनाव को जिस ढंग से नेशनल मीडिया बता रहा है, यहाँ देखने पर बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के उम्मीदवार के बीच में है। यहाँ तीसरा जो उम्मीदवार है कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से कन्हैया कुमार, वो भुटकटवा की स्थिति में है, वोट काट रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश के तौर पर ये बता रहे हैं कि हमारी लड़ाई अरे कन्हैया कुमार से है, सीपीआई से है, हमारी लड़ाई महागठबंधन के उम्मीदवार से नहीं। हालत है कहीं कम्युनिस्ट पार्टी का एक मैंने विधायक नहीं है 7 क्षेत्र में, और उसके बारे में दावेदारी हो रही है कि नहीं साहब वो संघर्ष में हम लोग जो है गायब हैं, एक साजिश के तहत हो रहा है और हमको तरस आ रहा है वामपंथी लोगों पर कि साहब आप जो है मैंने एक मैंने व्यक्ति के यहाँ जो है आप राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों का, दलितों का, अकलियतों का, वो आपका झंडा उठाते हैं, आपका जिंदाबाद करते हैं, और एक ही जात का उम्मीदवार बार बार बेगूसराय में लोकसभा का क्यों होता है, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। और इसी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी का इस देश में जो है नाश हो रहा है, इस बात को नहीं समझ रहा है। पिछला जो लोग 2014 का चुनाव हुआ था, एक सिटिंग उम्मीदवार नीतीश कुमार के पार्टी का मुनाजिर हसन, उसका टिकट कट गया कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करने का, और दोबारा जो है मैंने इतने मजबूत आदमी का टिकट कटवाने के फेर में ये लोग थे, इस तरह का दबाव जो है डाल रहे थे।